नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो थंबनेल और टाइटल आप देखे हैं उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि थंबनेल और टाइटल पे हम साफ साफ वहाँ पे बताए हैं कि अब जो है यूट्यूब क्रिएटर्स को 1 महीना के अंदर जो है वहाँ पे 4000 घंटा और 1K सब्सक्राइबर पूरा करके देना होगा, तभी उस चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होगा। लेकिन इसका स्थिति जो है या फिर परिस्थिति जो है वो अलग है, इसलिए आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये किनके लिए अपडेट आया है वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर आप YouTube पे YouTube चैनल अपना चलाते हैं और चैनल को अगर आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो फिर आपको पता होगा। चूंकि अगर पिछले साल की बात करें यानी कि 2019 की लास्ट की बात करें, नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में गूगल यूट्यूब के तरफ से एक अपडेट आया था। अपडेट क्या आया था कि जैसे आज के डेट में अगर आप यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन आप अप्लाई करने जाएंगे तो वो अप्लाई का आपको ऑप्शन वहां पे नहीं मिलता है। जब तक आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा नहीं होगा तब तक जो है अप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यही ऑप्शन यूट्यूब पे 2019 में अगर नवंबर से पहले की बात करें तो वहाँ पे अप्लाई हो जाता था। यानी कि आप आज यूट्यूब चैनल बनाइए और आज के आज जो है आप मोनिटाइजेशन वहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, अपने चैनल को जो है अंडर रिव्यू में आप डाल सकते थे। और होता क्या था वहाँ पर कि जब आपका चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता था और जैसे ही आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा हो जाता था, ऑटोमेटिक जो है यूट्यूब की तरफ से आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाता था। लेकिन ये स्थिति आज के डेट में बदल चुका है। यानी कि आज के डेट में आपको यूट्यूब चैनल पे अप्लाई का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसलिए वैसे क्रिएटर्स जो 2019 के लास्ट नवंबर के होंगे और अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेज दिए होंगे, यानी कि चूंकि जाहिर सी बात है जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई किए होंगे तो उसी समय आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू में चला गया होगा। तो ये जो न्यूज है या फिर ये जो अपडेट, इसको बोलिए ये जो अपडेट एडसेंस की तरफ से या फिर यूट्यूब मोनेटाइजेशन टैब के लिए जो ये अपडेट आया है, ये अपडेट उनके लिए है जो 2019 के क्रिएटर्स हैं और उन्होंने अपने चैनल को जो है वहाँ पर अंडर रिव्यू में डाल दिए हुए थे, अप्लाई कर दिए हुए थे। तो उनके लिए एक ये न्यूज आया है या फिर ये यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट डाला गया है कि उस क्रिएटर्स को 1 महीना के अंदर जो है अपने चैनल पर यदि आपका सब्सक्राइब नहीं पूरा हुआ है या फिर वॉच टाइम वहां पे नहीं पूरा हुआ है तो वो आपको पूरा करना होगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पूरा हुआ होगा, बिना पूरा किए हुए कैसे जो है अंडर रिव्यू में चला गया। तो ये हम आपको पहले ही बताया कि पहले का जो यूट्यूब पे सिस्टम अलग था कि आप चैनल आज के आज बनाइए और अंडर रिव्यू में चैनल को आप डाल देते थे। लेकिन ये आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में अगर आपको चैनल को अंडर रिव्यू में डालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना होता है। लेकिन अगर यही बात करें 2019 के नवंबर से पहले तो उस समय ऐसा कुछ भी नियम नहीं था। ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा यही क्राइटेरिया उस समय भी था। लेकिन उस समय होता क्या था कि चैनल आप आज की आज बनाते थे और उसी समय अंडर रिव्यू में आप चैनल को डाल देते थे, उसी समय आप एडसेंस के लिए भी अप्लाई कर देते थे। तो उस समय जो भी क्रिएटर्स जो है अपने चैनल को अंडर रिव्यू में डाले हैं तो उस चैनल को जो है यूट्यूब की तरफ से 30 दिन का समय दिया गया है। यानी कि अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी पे एक मेल आया होगा जिसमें यूट्यूब की तरफ से ये अपडेट डाला गया है कि आपको 30 दिन का और एक्स्ट्रा समय दिया गया है। उस 30 दिन के अंदर आपको जो घटा हुआ आपका सब्सक्राइबर है या फिर वॉच टाइम में जो भी घंटा आपका घट चुका है उसको आपको पूरा करके वहाँ पर देना पड़ेगा और 1 महीना एक्स्ट्रा आपके पास समय मिला है उसमें आप पूरा करके दीजिए, तभी आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होगा। अन्यथा अगर आपका चैनल पे पूरा नहीं होता है किसी कारण से, चाहे आपका सब्सक्राइबर में चूक होता है या फिर वहां पे आपका वॉच टाइम में चूक होता है, तो फिर वो आपका यूट्यूब चैनल वेस्ट होगा यानी कि बर्बाद होगा। उस पर जितना भी आप मेहनत किए होंगे वो पूरा नहीं होने वाला है, वो आपका बर्बाद वहां पे जाने वाला है। इसलिए ये वैसे यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ये अपडेट आया है जो क्रिएटर्स का चैनल जो है ऑटोमेटिक अंडर रिव्यू में जा चुका है और किसी कारण से उसका जो सब्सक्राइबर है या फिर वॉच टाइम घट चुका है, पूरा नहीं हुआ है, तो उनके लिए यूट्यूब की तरफ से 30 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। यानी कि 12 महीना के जगह जो है 13 महीना दिया गया है और उसमें जो घटा हुआ आपका सब्सक्राइबर है या फिर वॉच टाइम है वो आप पूरा करके यूट्यूब को दीजिए, तभी आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होगा। इसीलिए अगर टाइटल और थंबनेल आप देख के वहाँ पे अगर आपके मन में भी कन्फ्यूजन होगा कि हो सकता है यूट्यूब का अपडेट ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर चेंज होगा, तो कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो पहले ऑटोमेटिक अंडर रिव्यू में चैनल डाले हुए थे उनके लिए ये अपडेट आया हुआ है कि आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है, उस 30 दिन में अपने चैनल का जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करके यूट्यूब को देना होगा।